everyone, welcome to my channel. I am Rohini Puri and इस channel में हमारा आज का पहला video आपके सामने है और आप देख रहे हैं इस channel के through पहला video जिसके अंदर हम cover करने जा रहे हैं meaning of economics को. तो देखते हैं economics होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले जब हमने economics का meaning समझना है हमें ये देखना होगा ये word कहाँ से आया है. ठीक है, एक term होती है दोस्तों household management. ठीक है, क्या term है? Household management. Household का मतलब आपको पता होगा अपने घर की बात है, घर को क्या करना, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, मतलब घर को मैनेज करना, घर चलाना, उसको क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोलते हैं. ठीक है, ये एक वर्ड होता है. इस वर्ड को ना क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया. क्या बोलते हैं इसको? ओइकोनोमिया. ये ओइकोनोमिया जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ टर्म है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ठीक है, जिसको ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया बोलते हैं. ये आपके सामने लिखा हुआ है ओइकोनोमिया. ठीक है, इस ओइकोनोमिया में इसको अगर आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो ये ओइको और ये नोमिया. ठीक है, ओइको का मतलब क्या है? इको. ओइको का मतलब क्या है? इको. ठीक है, इको मतलब हाउस होल्ड, वही बात आ जाएगी, घर को देखना. ठीक है, नोमिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नोमिक्स. जो हम ये वर्ड बोलते हैं ना इकोनॉमिक्स, इसमें दो वर्ड मिलते हैं, एक बनता है इको और एक बनता है नॉमिक्स. तो इको का मतलब क्या होता है? ओइको से ये वर्ड निकला, इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड. ठीक है, और नॉमिक्स जो है वो नोमिया वर्ड से निकला है जिसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट. तो इन सिंपल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ये कहां से डिराइव हुआ है. तो वी कैन से इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ठीक है, ग्रीक वर्ड कौन सा? ओइकोनोमिया. अभी देखा ना, याद होगा आपको ओइकोनोमिया. और ओइकोनोमी का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब घर को कैसे मैनेज करना, ये सब चीजें हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स.